आज है दिवाली, शिनचैन, ओगी। तमीज से, बड़े भैया बताओ क्या दिक्कत है? आज है दिवाली और आज हम लोग करने वाले हैं एक चैलेंज। अबे कैसा चैलेंज? चल मेरे साथ, बताता हूँ कैसा चैलेंज। बड़े भैया लेकिन हम लोग जा कर रहे हैं। अबे सस्ते शाहरुख खान, तू बस चल मेरे साथ। तो गैस आज जो है ना वो है दिवाली, तुम सबको हैप्पी दिवाली। और आज मैं ना अपने स्पेशल रेंज रोवर लेकर आया हूँ। और आगे शिनचैन मैं चुपचाप बताऊंगा, तुम बस चुपचाप सुनते रहना। अबे चल तेरी बात सुनूंगा मैं। अबे शिनचैन आज तो चुप हो जा। अच्छा चल आज चुप हो चल, ठीक है। हाँ और आगे तू भी शांत रहना। हाँ बड़े भैया। तो बेसिकली ना गाइस, आज मैंने लिया है एक चैलेंज जिसमें मैं 1 रुपए का पटाखा, वैसे 10,000 का पटाखा, वैसे 1,00,000 का पटाखा फोड़ने वाला हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ भैया, बढ़िया भैया, ये क्या बात हुई? बहुत मजा आने वाला गाइस आज के वीडियो में, तो इसलिए मैं ओगी और शिनचैन को साथ लेके जा रहा हूँ। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं 1 रुपए वाले पटाखा लेने। हाँ लेकिन वो मिलेगा कहाँ? बड़े भैया नीचे एक दुकान है, वहाँ पटाखे मिल रहे हैं। अच्छा ये वाली है? तो भाई ओगी ने तो बताया कि इसी दुकान के अंदर 1-1 रुपए वाले पटाखे मिल रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि 1 रुपए वाला पटाखा कितना ज्यादा जोरदार होता है। और जो गाइस हमारा 1,00,000 वाला पटाखा होने वाला है ना, उसको देख के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो 1 रुपए का तो पटाखा मैं लेकर आ गया और ये मैंने लगा दिया। ओके 1 रुपए के हिसाब से कुछ ज्यादा ही था यार। है अरे हाँ मस्त ये दुकान वाली, यहीं लेके चलेंगे। हाँ शाम में आते हैं। बड़े भैया लेकिन 1 रुपए वाला पटाखे के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हाँ यार होगी बहुत ज्यादा अच्छा पटाखा तो बहुत अच्छा पटाखा था ये 1 रुपए वाला। खैर अभी जो 1 रुपए वाला पटाखा है ना, आप सबने देख लिया, ओगी ने देख लिया, शिनचैन ने देख लिया, मैंने देख लिया। तो गैस 1 रुपए वाले पटाखे में ना भाई बहुत अच्छा खासा दम था। अब सोचिए 1 रुपए वाला पटाखा इतना तगड़ा है, तो अभी हम लोग 10,000 के पटाखे फोड़ने जा रहे हैं। और चलो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा दूसरे शहर, और उसके लिए हमें एक हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में ना वो पटाखे मिलते नहीं है। और हमारे शहर में बेसिकली पटाखे बैन करके रखे हैं गवर्नमेंट ने। क्या बात है। हाँ लेकिन हम तो फोड़ेंगे अपने घर पे। हाँ वही ना। हाँ तो हम तो अपने घर पे फोड़ेंगे भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। खैर अभी चलते हैं, यहाँ पे एक पास ही में एरिया है और मैंने अभी अभी पता कर लिया। ओके पुलिस हमारे लिए तो नहीं आई, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि हम लोग पटाखे लेने जा रहे हैं। अबे गधा है क्या तू? तेरे से बड़ा तो कोई गधा नहीं है। अबे तू गधा, तू गधा, तू गधा, तू गधा, तू गधा, तू गधा। मैं गधे से क्या बहस करूं? सही बात है, मत कर अपने से बहस। अबे चुप, तू चुप। खैर यार ये शिनचैन तो बकवास करता रहेगा। हम लोग आ चुके हैं हेलीकॉप्टर वाले लोकेशन पे, जहाँ पे मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि हमें एक अर्जेंट हेलीकॉप्टर चाहिए दूसरे शहर जाने के लिए, और उसने ये हेलीकॉप्टर को दे भी दिया। लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस है ना भाई, उसने बोला तू मेरा दोस्त है, आज दिवाली ले जा, हैप्पी दिवाली। खैर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा खुश था। अबे ओगी जल्दी बैठ, जल्दी चल रहे हैं दूसरे शहर। और भाई उस बंदे से भी मेरी बात हो चुकी है, उसने बोला है कि आ जाओ भैया मेरे पास, आपके लिए सारे 10,000 वाले पटाखे रेडी हैं एंड साथ में फोड़ लेंगे। तो खैर चलते हैं सीधा दूसरे शहर की तरफ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे शहर में, और भाई यहाँ पे भी ना जो पटाखे की बिक्री है वो बहुत ज़्यादा छुप कर की जा रही है। एंड यहाँ पे जो ये प्लेन यार्ड है ना, इसी के अंदर पटाखों की बिक्री हो रही है। और यहाँ पे जो है मैं अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर देता हूँ एंड यहीं से चलेंगे सीधा अंदर वेयर हाउस के अंदर। खैर यहाँ पे पहले तो मेरे को अपना हेलीकॉप्टर जो है वो एकदम शांति से लैंड कराना है, तो मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करा लिया है और सामने है वेयर हाउस, चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मेरी इस भाई से जो है वो बात अच्छी खासी हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि उसके पटाखे मेरे पटाखे मतलब बेसिकली रेडी हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास कितने सारे पटाखों के स्टॉक्स आ रखे हैं। भाई ये बेच रहा है असली माल, और यहाँ पे लोग बाहर खड़े भी हैं। कह रही है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का दोस्त है, तो इसने मेरे को बहुत जल्दी दे दिया एंट्री। एंड देखो यहाँ पे ये सारा इलीगल काम बैठा रहा है, क्यों है ना भाई, एकदम जबरदस्त बिजनेस। खैर इसकी तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो इसने ना मेरे को 3 पटाखे दिए हैं, तीनों के जो रेट है वो 2600 है। चलो पहला पटाखा फोड़ के देखते हैं। चलो ओए शिनचैन गधे, अबे मैं भी फोड़ो, अबे साइड है सुअर। तो भाई ये तो 1 रुपए वाले से भी घटिया निकला। खैर कोई बात नहीं, एक और दूसरा फोड़ के देखते हैं, और ये लगा दिया दूसरा पटाखा। चलो ओए साइड हट जाओ, इसको फोड़ के देखते हैं क्या फटता है। चलो इसे फोड़ता हूँ, फूट ठीक है, ये थोड़ा ठीक था, थोड़ा सा वर्थ इट था। चलो ये जो लास्ट पटाखा है
वो भी फोड़ के देख लेते हैं। ओके एक और लगा देता हूँ। और ये तो एक रॉकेट था, खैर ये रॉकेट भी उतना वर्थ इट नहीं था भाई। मतलब मुझे 10,000 वाले पटाखे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, गधे का बच्चा। खैर मैं इसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि दोस्त है यार। खैर यहाँ से चलते हैं अब सीधा भाई 1,00,000 वाले पटाखे लेने। अब आप लोग सोचोगे कि 1,00,000 वाले पटाखे ऐसे मिलेंगे जब 10,000 वाले ही नहीं मिल पा रहे हैं। खैर उसका भी जो है वो इंतज़ाम कर दिया है। यहीं पास में ड्राइवर रहता है, उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो पास में जेल है ना उसके अंदर आए हैं 1,00,000 के पटाखे जो कि पूरे इलीगल ट्रक से भरे हुए हैं। खैर यहाँ पे मैं अपना हेलीकॉप्टर जो है वो लगा देता हूँ और उस ट्रक को हमें चुराना पड़ेगा। अब देखो भाई तुम्हारे पटाखों के लिए मैं यहाँ पे जेल में घुस के ट्रक भी चुराने के लिए पूरा रेडी बैठा हूँ। खैर चलते हैं सीधा जेल की एस तक। कोई भी सिपाही हमें देख ना ले, कोई भी गार्ड हमें देख ना ले, वरना भाई लेने के पड़ जाएंगे देने। वहाँ पे भी एक गार्ड है, इधर भी एक गार्ड है, ऊपर भी एक गार्ड है। खैर यहाँ पे चलते हैं और इसे मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर देता हूँ जल्दी जल्दी, पीछे वाला गार्ड इससे पहले मुझे देख ले। तो यहाँ पे जो है बस वही गया, तो यहाँ पे मैंने वेल्ड कर दिया। उन लोग को पता चल गया कि हम लोग जेल के अंदर आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी हम लोग को उस ट्रक को ढूंढना पड़ेगा और कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। इस काम करते हैं, इस डोर से चलते हैं। तो इस डोर से जाके मैं आना ऊपर आ चुका हूँ और वहाँ पे जो है एकदम सामने ही दिख रही है पटाखों वाली गाड़ी। तो इस पुलिस वाले को जाने दो फिर चलते हैं। तो भाई पुलिस वाला तो खड़ा ही है कब से, मैं काम करता हूँ पीछे से जाता हूँ और इसे बेहोश करके ये गाड़ी लेके भाग जाऊँगा। चल बेहोश हो जाते हैं, गलती से करना पड़ा, कोई बात नहीं होगी। शिनचैन जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, इस गाड़ी को लेकर हम लोग को यहाँ से जल्दी रफू चक्कर होना पड़ेगा भाई। पूरी शहर की पुलिस अब तुम्हारे चंदे हमारे पीछे पड़ गई दिवाली के दिन। लेकिन कोई बात नहीं भाई, यही सब चीज़ों में तो मज़ा है एक्चुअल, इसलिए तो मज़े के लिए तो मैं कर रहा हूँ। और इसी के अंदर है ना भाई वो 1,00,000 रुपए के फटाके। अगर आपके सपोर्ट हो, शिट भाई देखो कितनी सारी ये हेलीकॉप्टर अब जाए भाड़ में, कोई बात नहीं, हम लोग नया खरीद लेंगे कभी और अपने दोस्त को गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भाई अभी अपनी जान ज़्यादा ज़रूरी है। और इस जो ट्रक है उसको ले कर चलते हैं सीधा अपने शहर की तरफ। अरे ये पुलिस वाला चलें, हमारे ट्रक में ज़्यादा दम है, भगाते रहता हूँ और इनसे कोई इशू नहीं होने वाला है। तो बस मैं अपने शहर तक पहुँचने वाला हूँ, एकदम ट्रक तक यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और ये देखो सामने और पुलिस वाला बहुत तेज जो है वो ट्रक की स्पीड हो चुकी है, मेरे से ट्रक कंट्रोल में नहीं आ रही है। लेकिन ये लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन बहुत सारे हैं लोग। और मुझे छुपना पड़ेगा। तो भाई ट्रक जो है दूर उड़ के चले गई है शिनचैन और ऑगी के साथ, एंड ये जो है पुलिस वाले ट्रक को ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस वाले सब जा चुके हैं भाई, ये कैसी स्केप थी भाई, एकदम अलग ही लेवल की। और यहीं पे जो है वही शिनचैन को भी मैंने बुला लिया है। और शिनचैन कहाँ है ऑगी? अरे वो लेके भाग गया ट्रक को, हम लोग ने शेव कर ली, पुलिस के पीछे चला लिया है। हाँ चल आज पटाखे टेस्ट करते हैं। चलो गाइस भाई पीछा छूटा एक चीज़ से। तो ये रहे भाई ऑगी पटाखे, इसको फोड़ने के लिए मैं अपनी गन का यूज़ करूँगा। और देखो इसको कैसे फाड़ते हो, ये भागो वहाँ से, बहुत डेंजर पटाखे है, फट जा। देखो फटाफट आप भाई पूरी वाइब्रेशंस फील हो रही है, इतना ज़्यादा तगड़ा पटाखा है, पूरे शहर में इसकी आवाज़ गूंज रही होगी भाई। देखो क्या पटाखे लाए हैं भाई, क्या फटे भाई, एकदम फुल, मतलब 1,00,000 पैसा वसूल और इतना ज़्यादा मेहनत। खैर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। और अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में 1 करोड़ के पटाखे फोड़े तो बताना कमेंट में। चलो निकलो अब।